भगवान कृष्ण का नामकरण करना था। गर्गाचार्य को बुलाया गया। गर्गाचार्य कहे कि हम क्षत्रियों के गुरु हैं न जी। उस समय चंद्रवंश में चार गोत्र का क्षत्रिय था। भगवान कृष्ण विष्णेय थे, कंस भोज था और कौरव पांडव कुरु थे, कुरुवंश। अक्रूर जो थे लक थे। ये चार चंद्रवंश में वंश था। नंद जी गोप थे, ग्वाला थे। इसलिए कहे कि हम ग्वाला का ग्वाले गोप गोप उस समय गोप ग्वाला कहा जाता था। गोप लोगों का तो है नहीं। और तुम नामकरण के लिए कहता है उसमें राजाओं का गुरु हूं। तो कहे कि हमारा नहीं है आप, ठीक है, लेकिन लड़का का नाम है भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव से आपका संबंध है, उनके तो गुरु हैं ना। कहा कि हाँ वसुदेव तो लेकिन जेल में आए, अकंस जान जाएगा तो हमको दंडित करेगा। कहा कि उन्हीं के चलते आप चलिए। वसुदेव विष्णी गोत्र थे, विष्णी विष्णे कहा गया कृष्ण को। कहे कि क्या दक्षिणा देगा, पहले तय कर लो। तुम लोग दक्षिणा तय नहीं करता, ही चले जाता है गुरु जी, कुछ होगा तो दे देंगे। एवं गर्गाचार्य तय कर लिए। कहा कि 1000 गाय देंगे, उस समय गाय धन था ना, 1000 गाय देंगे। कहा ठीक, हम सुबह आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ, लड़के का नामकरण कर देंगे और सुबह सुबह चल लौट आएंगे, कोई जानेगा नहीं। जान जाएगा तो कंस तंग करेगा ना कि ग्वाल क्यों क्यों गया, तू अभी क्षत्रियों का राजा होकर के फिर ग्वालों का भी हो गया गुरु, फिर देगा ना। कहे गए, सुबह सुबह चले गए। कहीं गौशाला में बुलाओ लड़के को। लड़के को गौशाला में बुलाया, कृष्ण को देखे, हाथ वन देखे, कपार देखे। कही कि यार लड़का तो भाग्य तो बड़ा एथी है, घबराए, तुम्हारे लड़का है ना। कहा कि हाँ सरकार, हमारे ये लड़का बहुत गाय चराएगा, बहुत गाय ग्वाला बड़ा होगा ये, लेकिन यह सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसलिए इसका नाम रहेगा करसत इति कृष्ण, जो सबको अपने आकर्षित कर रहा है, इसलिए इसका नाम कृष्ण रहेगा। ये बड़ा लड़का जो है इसमें बल रहेगा, बहुत शक्तिशाली है, ये शक्तिशाली ग्वाला बनेगा, इसलिए इसका नाम बलह अभिरामा इति बलराम, बल बलराम रहेगा। नामकरण करके चलने लगे। कहे कि सरकार कुछ भोजन कर लीजिए। कहा कि अब तुम धृष्ट हो गया, ग्वाला की हम लोग खाते हैं ब्राह्मण आदमी। कहा कि नहीं सरकार, ग्वाला की गाय का दूध देते हैं और चावल देते हैं, इसी में खीर बनाकर खा लीजिए गौशाला में। कहा अच्छा चलो ठीक, अपना गौशाला में खीर बनाए, खाकर तुलसी दल लाए, आंख बंद करके कह रहे हैं तो दी हम वस्तु गोविंदम तुम्हें समर्पय हम। वह कृष्ण आकर खाने लगा, बड़ा जोर से चिल्लाया, यशोदा चिल्लाया, नंद जी को चिल्लाए। इसीलिए हम ग्वालों के नहीं जाते हैं, हीरों के नहीं जाते हैं, ये सब का कोई नियम धर्म नहीं है, जात धर्म नहीं है। देखते तुम्हारा लड़का का किया, आग जूठा कर दिया, अब हम खाएं। अगर सरकार ये बुढ़ापा का लड़का है, बड़ा बदमाश है, ये कैसे आ गया, सरकार गलती माफ कर दीजिए, इस बार आप फिर अलग से देते हैं बनाकर खाइए। कहा कि दक्षिणा उतने रहेगा तो नहीं, दक्षिणा आप डबल हो जाएगा, 2000 गाय देंगे। कहा कि अच्छा 2000 ठीक है चल, इसको ले जाकर बांध, शैतान है ये लड़का, आगे जुठ कर दिया, इतना मेहनत से बनाए, अब तुम पर विश्वास नहीं है, इसको ताला में बंद करके चाबी हमको दे, कहाँ से निकल आता है। कहा कि सरकार चलिए हम बंद करते हैं इसको, हाथ गोड़ भी बांध देते हैं घर में, चाबी अब देते हैं, ले जाकर हाथ गोड़ बांध करके, खूंटा होता है ना ग्वालों के घर में, खूंटा होता है गाय बांधने का, खूंटा में कृष्ण को बांधा गया और देख लिए सरकार बांध दिए ना, हाँ बांध दिया, बनना से चाबी पॉकेट में रख लिए।
फिर गर्गाचार्य, देखो गर्ग संहिता इतने बड़े विद्वान थे, जानना चाहिए ज्योतिष, देखो ये ज्योतिषी लोग का, तुम लोग भी बड़ा ज्योतिष के दौड़ता है ना जी, तलवार जी दौड़ता है ना ज्योतिष के यहाँ, ज्योतिष के यहाँ तुम लोग जाता है। तो फिर बनाए, अब दोपहर हो जाएगा ना, गोईठा पर लकड़ी पर आग बनाते बनाते दोपहर हो गया, फिर अपना ध्यान किए तुलसी दल डाले समझा, फिर तो हम बस गुमदम के फिर आकर खाने लगा। तब फिर जब हला किए तो कृष्ण बोला चुप, अब हला किए तो चुप हो जाएगा चुप। मुड़ी की आप देखो छोटा सा लड़का 5 साल का, अब चुप कर रही तो चुप कर रहा है, अब तो चुप कर रहा कि हाँ चुप कर रहा है चुप, जो हमारे माँ बाप को हला किया अभी तब बांध कर आया है ना, ताच भैया तुम्हारे पास ना है तो हाँ कैसे आ गए, एक तरफ हमको भोजन के लिए बुलाता भी है, दूसरी तरफ हाला भी करता है, हमारे माँ बाप को कष्ट देता है, कहाँ हम तुमको बुलाया, अभी तू कहाँ नहीं, तो दे हम वस्त गोविंदम तुम्हें समर्पय, मैं ही गोविंद हूँ और तुम मेरा नामकरण किया है इसलिए दक्षिणा में मुझे देना है, देख मुझे। और जैसे ही मुंह खोला विराट रूप को जब देखे, पहला वह गुरु देखा है और उनके पैरों में लौट गया है, कहे कि हे माधव हे मुरारी, मैं तो आज तुम्हें समझ गया हूँ, मेरा दक्षिणा पूरा हो गया और जो कृष्ण खाए थे उन्हीं के जूठे में खूब लोट पोट किए और कृष्ण तंदार हो गया। और ये जब लोट पोट के कर रहे थे तो नंद जी बस आए, देवकिया महाराज क्या कर रहे हैं गुरु जी, क्या हो रहा है, कहा गया मत पूछो क्या हो रहा है, क्या दोष हो गया गुरु जी, तो सब लोटपोट के स्नान करिएगा, कहा कब हम स्नान स्नान नहीं करेंगे, कहा कि दक्षिणावा कैसे जाएगा, कहा कुछ दक्षिणावा नहीं जाएगा। फिर चल दिए वहां से, कहा कि अरे गुरु जी वो लड़कवा बंद है, चबियो लेते जाइएगा तो उसी में बंद रहेगा, तुम्हारा लड़कवा बंद रहने वाला है, उस सबका बंधन खोलने वाला है, अरे चाबी खोल जा, चाबी देकर अपना देखो। तब से सुनते हैं कि वह जो है नहीं, इसलिए उनको भी फिर से गुरु खोजना पड़ा। अगरगाचार्य जी तब से गर्ग संहिता छोड़ दी, ज्योतिषी काम छोड़ दी। कभी कभी देखो यह समझना चाहिए गुरु का क्या काम है,